I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. किचन हमारे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस गवर्नमेंट क्वार्टर की छोटी सी किचन की अच्छे से क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे डेकोरेशन के टिप्स और हैक्स भी। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे जो कि सारे किचन से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले करते हैं बर्तनों के स्टैंड को खाली। इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ में ही नहीं आ रहे थे, पीछे रखे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें मुझे अपने किचन से हटाना था। देखिए जब यूज़ नहीं करते हैं तो कितनी डस्ट आ जाती है इनके ऊपर। इसके अंदर जितने भी मैट्स थे, कार्डबोर्ड के पीसेस थे, वो सब मैंने हटा दिए हैं। बर्तन स्टैंड को अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर दूंगी। बर्तनों को भी अच्छे से पोंछ दिया था, जिन्हें वॉश करना था उन्हें वॉश कर दिया। ये जो हमें स्लैब मिली हुई है, इसके अंदर जो सामान था उन्हें हटाया, क्योंकि मुझे इसके शेल्फ लाइनर की ज़रूरत थी। यहाँ पे मैं बर्तनों के स्टैंड के अंदर इसे अच्छे से फिक्स कर दूंगी, देखने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब बारी आती है इसके अंदर सामान को लगाने की। बड़ी प्लेट्स पीछे की तरफ रखी हैं, आगे की तरफ छोटी प्लेट्स आ गई हैं। मेरे जो भी पैन थे वो भी इसके अंदर आ गए हैं। एक के अंदर एक कटोरियाँ रखने वाली हूँ ताकि स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकूँ। सेम पैटर्न ग्लासेस के लिए भी रहेगा। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर मैं रखने वाली हूँ अपनी कढ़ाई, दूध के बर्तन, ये सारे उसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। छोटा सा है पर बहुत सारे बर्तन इसके अंदर मेरे आ जाते हैं। साथ में कुछ हुक्स हैं जिसके अंदर मैं अपने पॉट्स को हैंग कर दूंगी। दूसरी तरफ जो है वहाँ पे कुकर की लेड्स आ जाएंगी, छलनी आ जाएंगी, चिमटा आ जाएंगी, ये छोटी मोटी सारी चीज़ें हैंग हो जाती हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैं ये बास्केट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी साल से मेरे पास है। इसके अंदर सारे एक्स्ट्रा लंच बॉक्सेस आ जाएंगे, छोटे छोटे से टिफ़िन भी आ जाएंगे। जितने भी हम लोग किचन में ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, विद टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, आप लोग देख ही सकते हैं। इन सबको भी मैं यहाँ पे वॉश करूँगी। जितने भी किचन में बास्केट्स यूज़ होती हैं सबको वॉश कर दूँगी। एक्रेलिक कलर बिल्कुल नहीं निकलता है, आप लोग देख सकते हैं, इसे मैंने वॉश करा है। अब बारी आती है स्लैब्स को क्लीन करने की। सामान हटा दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये शेल्फ लाइनर नया परचेज करा है, एंटी स्किड है, काफी अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगी। डब्बों को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। जिसमें कम सामान था उसे मैंने छोटे में डाल दिया है। सारे वॉश करके बालकनी में रख कर आई हूँ। ये हमारे पास एक छोटी सी वुडन शेल्फ है जिसके अंदर पार्टीशन हम लोगों ने खुद ही बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैं रख दूंगी बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि दाल हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम यूज़ में आती हैं वो पीछे की तरफ, जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं उन्हें बिल्कुल आगे की तरफ रखूँगी। इतनी देर में जितने भी ऑर्गेनाइज़र और बास्केट्स हम लोगों ने वॉश करी थी ये ड्राई हो गई थी, इन्हें पोंछ के रख दूंगी। आज मैंने जो मेरे पास ऑयल बॉटल हैं या फिर जिसके अंदर मैं घी रखती हूँ उन सबको भी वॉश करा है, गर्म पानी और डिश लिक्विड को ऐड करा था। तो आज है day 2। कल का मेरा पूरा दिन निकल गया था बर्तनों को अच्छे से वॉश करके जचाने में, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं। शाम तक मैं यही सारा काम कर रही थी। बहुत सारे डब्बे निकले जिनमें से कुछ को तो मुझे फेंकना था, डीक्लटरिंग भी करी है, बहुत सारे वॉश करके रखे थे, बाहर सूखने के लिए छोड़ कर आ गई थी सुबह सुबह। तो आज हम लोग करने वाले हैं सारे ही किचन को अब अच्छे से अरेंज। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डेकोरेट भी करने वाले हैं। बहुत सारे टिप्स और हैक्स भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जितना बचा हुआ काम है उन सबको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझसे भी अब वेट नहीं हो रहा है, मुझे भी देखना है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारा फाइनली किचन कैसा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सारे के सारे पेंडिंग काम। आ जाइए।
किचन के काउंटर टॉप के नीचे कुछ इस तरीके का एक पार्टीशन है, उसके अंदर मैं ये बड़ी वाली बास्केट रख रही हूँ। इसके अंदर मेरे जूसर के सारे अटैचमेंट हैं, एक जगह मिल जाती हैं और डस्ट वगैरह से थोड़ी दूर रहती हैं। इसके आगे मैं रखूंगी ये 3 टियर का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र, ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसके अंदर आलू प्याज आ जाएंगे, प्याज के छिलके हटा दिए हैं, बहुत ज़्यादा गंद नहीं होगी। छोटी छोटी टोकरियाँ हैं, इसके अंदर अदरक और लहसुन रखी है। पीछे रख रही हूँ फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र, जो कि फ्रिज में काम नहीं आया, पर यहाँ पर मेरे हिसाब की चीज़ें रहती हैं। एक और बास्केट है, उसमें मेरे किचन के छोटे छोटे टाल रहते हैं। ये 2 बड़ी बास्केट हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे। इसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान आता है, आगे वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगी। एक के ऊपर एक स्टैक हो गई है, मसालेदानी रखी है, मेरा ब्लेंडर आ गया है और उसकी अटैचमेंट भी रख दी है एक छोटे से टिफिन बॉक्स में। माइक्रोवेव की जो वायर होती हैं काफ़ी ज़्यादा बल्की होती हैं और बार बार खुलती रहती हैं, तो ये वाला जो वायर ऑर्गेनाइज़र है ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने ऑयल बॉटल को फिल करा, घी की बर्नियों को फिल कर दिया। ये है मेरा एक मोबाइल बॉक्स का DIY जो कि मैंने बनाया था बहुत पहले, आप लोग भी बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने गार्बेज रोल्स को रखने के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है, बस वाइट एक्रेलिक कलर कर दीजिए मोबाइल बॉक्स को, छोटा सा कट लगा के मोल्डिंग क्ले से उसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे डब्बे जितने भी सूखने के लिए रखे थे वो वापस लेकर आती हूँ अंदर और उनके अंदर सारे सामान को फिल कर दूंगी। जब भी किचन के कोई भी जार मेरे खाली होते हैं तो उनको मैं पहले वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही उसमें सामान रखती हूँ। बहुत दिनों से मेरे किचन में कोई स्नैक्स नहीं थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे अभी हम कुछ दिन अवॉइड करेंगे। घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है, आगे वीडियोस में दिखाऊंगी, पर अपने किचन के लिए क्या नया परचेज करा है वो बताती हूँ। मेरा जो पुराना राइस कुकर था ना वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने परचेज करा है अगारो का रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर। 3 लीटर कैपेसिटी का है और इसके अंदर मिल जाती हैं आप लोगों को काफ़ी सारी अटैचमेंट। सबसे पहले मिलता है आप लोगों को 3 लीटर का 5 लेयर थिक सिरेमिक कोटिंग का इनर बोल, इसके साथ ही है स्टेनलेस स्टील की स्टीमिंग बास्केट, राइस मेजरिंग कप, राइस पैचुला एंड सूप लैडल। यहाँ पे आप लोगों की सारी स्टीम कलेक्ट हो जाती है। इसके मल्टी फंक्शनल यूसेज हैं, आप लोग इसके अंदर स्टीम कर सकते हैं, वेजीज राइस बना सकते हैं, पॉरेज बना सकते हैं, खाने को गर्म कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे वाइट राइस बनाने थे तो मैंने यहाँ वाइट राइस ऑप्शन को बस मैंने यहाँ पे चूज़ करा और अब मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने किचन का काम भी करती रहूँगी और चावल बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। इसके साथ ही मैंने स्टीम करने के लिए भी छोड़ दी थी यहाँ पे वेजीज, तो आप देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। तो 2 काम मेरे एक साथ कम्प्लीट हो गए। और क्योंकि जब हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं तो सबसे पहले मीठा ही बनाते हैं, तो मैंने इसके अंदर दूध डाला, चीनी डाली, 10 मिनट के लिए मैंने इसे ऑन करा और यहाँ पे टाइमिंग आप लोग अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हैं। आप लोग इसके अंदर लगभग 600 ग्राम राइस बना सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को व्हाइट राइस, ब्राउन राइस विथ लो कार्ब, शॉर्ट ग्रेन, पॉरेज, स्टीम, स्लो कुक, ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बना है एडवांस फजी लॉजिक राइस कुकर टेक्नोलॉजी से, ऑटो एडजस्ट टेम्परेचर मिल जाता है, टाइमिंग मिल जाती है फॉर ऑप्टिमम राइस कुकिंग के लिए। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे स्टीमिंग का ऑप्शन मिलता है, स्लो कुक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, 24 आवर्स का प्रीसेट टाइमर भी लगा सकते हैं, स्मार्ट टच बटन्स हैं, 3D सराउंड हीटिंग है। डेफिनेटली आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, मेरे तो कुकिंग को बहुत ज्यादा आसान यह बनाने वाला है। इस प्रोडक्ट का परचेजिंग लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कीजिएगा। ये छोटी सी मेरी मेटल की क्यूट सी ट्रे है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर घी, ऑयल की बॉटल और स्पून एंड फोक आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। गैस के सिलेंडर को खिसकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी तो अब मैंने इसका स्टैंड परचेज कर लिया है, व्हील वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी व्हील। आटे का जो यहाँ पे पॉली बैग आता है उसे वॉश करके नीचे रखा है, इसके ऊपर मेरे फ्रेश नारियल आ जाएंगे, नारियल का पानी डेली हम लोग पीते हैं। साथ में मैं रख दूंगी यहाँ पे चीनी का डब्बा, आटे का डब्बा, ये सब काउंटर टॉप के जो नीचे हमें जितनी भी ओपन स्पेस मिली हुई है उसके अंदर रख रही हूँ। इसके बाद ही ये मेरी क्लीनिंग बास्केट है, इसके अंदर भी मैंने सामान एक्स्ट्रा रख दिया है ताकि बाहर ना जाना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं, चाहे वो डस्टिंग की हो चाहे वो किचन की हो। All of-
नया परचेज करा है, डस्टबिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और पहले वाला जो है ना वो मेरा टूट गया था, उसका पेडल ही काम नहीं कर रहा था। यहाँ से निकालेंगे गार्बेज बैग, तो गार्बेज बैग लगाते टाइम अगर आप लोग उसे इस तरीके से झटका सा लेते हैं ना, तो उसके अंदर हवा भर जाती है, बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाता है। इसके अंदर फिक्स कर देंगे, ये काम होता है ख़त्म। माइक्रोवेव को इस बार मैंने स्लैब के अंदर ही फिक्स कर दिया है। इसके साथ मैं रख दूंगी यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट जिसके अंदर बेकिंग का सारा सामान आ जाएगा। पीछे रख दूंगी गार्बेज रोल। सबसे ऊपर वाली जो स्लैब है ना उसके अंदर मेरा टोस्टर आएगा, मिक्सी आएगी, मेरे कैसरोल आएंगे, और एक ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर मैंने सारी ट्रेस को रख दिया है। नीचे वाला जो सेक्शन है उसके अंदर सारा ब्रेकफास्ट से जुड़ा आइटम है, लंच से जुड़ा आइटम है, जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं चीज़ें उन्हें ऊपर रखा है, कम यूज़ में आने वाली चीज़ें जैसे कि पास्ता वगैरह वो नीचे रखूँगी। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वाइट मेटल की टू टीयर रैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर मेरे डेली यूसेज के मसाले आ जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे। पीछे की तरफ मैं रख रही हूँ ये कुल्हड़ वाले कप, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आगे आ जाएंगे इसके अंदर कुछ और नए कप। साइड में मैं रख दूंगी यहाँ पे घी, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था उसके अंदर, तो उसे हाइड कर दिया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्रेम से। एक ये बास्केट है जिसके अंदर सारी कूटनी आ जाएंगी और पानी की बॉटल्स आ जाएंगी। नए इस बार मैंने डिस्पेंसर परचेज करे थे, पिंक वाले के अंदर मैं डाल दूंगी हैंड वॉश, बहुत ही अच्छे से मैच भी हो गया कलर। और ग्रीन वाला स्पेशली लेकर आई थी डिश लिक्विड के लिए, सोच के लेकर आई थी कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे पता था हैंड वॉश पिंक कलर का ही है मेरे पास। इसके बाद मैंने एक नया वाइपर भी परचेज करा है, पुराने वाले की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। एक छोटी सी बास्केट है उसके अंदर मैंने रख दी हैं ब्रशेस वगैरह, और उसी के अंदर स्पंज आ जाएंगे, नए हैं तो उसके अंदर रखे हैं, वरना यूज करती हूँ उस टाइम पे इसके ऊपर रख देती हूँ। किचन के लिए मैंने ये साइलेंट वॉल क्लॉक परचेज करी है, देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है और किचन को और ज्यादा क्यूट बना देगी। उसके बाद मैंने ना कुछ यहाँ पे प्रिंटआउट्स निकाले थे जो कि मैंने सेव कर रखे थे, और देखिए कितने अच्छे यहाँ पे प्रिंट आ जाते हैं। आप लोग भी गूगल या पिंटरेस्ट से ऐसे क्यूट क्यूट से वॉल आर्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना फ्रेम लिया, बटन नाइफ से बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाता है। ये क्यूट सा जो प्रिंटआउट था वो मैं इस फ्रेम के अंदर लगा दूंगी। छोटे वाले जो हम लोगों ने प्रिंटआउट्स निकाले थे उनको मैं सोच रही थी इस बार कार्डबोर्ड पे नहीं लगाऊंगी। मेरे पास ना जो डाइनिंग टेबल के मैट्स आते हैं वो परचेज करे थे, तो जिनके ऊपर हम लोग ग्लास रखते हैं उसका ये छोटा सेट था, 6 का सेट था, तो मुझे लगा ये बिल्कुल एप्ट रहेंगे इनके फ्रेम्स के लिए। पतले वाला जो यहाँ पे डबल साइडेड टेप आता है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसी टेप को लगा के हम लोग इसे यहाँ पे वॉल्स पे लगाने वाले हैं। बहुत इजी है, कोई मार्क्स भी नहीं रहते हैं जब आप लोग इन्हें अपनी वॉल से हटाते हैं। दोनों तरफ मैंने लगा दिए हैं। बॉर्डर बनाने के लिए आप लोग मेरी तरह ये ब्लैक कलर का टेप है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्यूट सा जो हमारा फ्रेम था ये जाएगा सबसे ऊपर। एक कैलेंडर अपने किचन में ज़रूर रखिए, दूध वगैरह का हिसाब करने के लिए बहुत काम आता है, वैसे भी डेट्स वगैरह देखते रहेंगे। ये देखिए ये मनी प्लांट जो है ना, ये मैंने किचन में ही लगाया हुआ था सिंक के पास, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया है। तो अब चलते हैं एक बार फाइनल मेकओवर जो है हमारे किचन का वो देख लेते हैं। ये है हमारे बर्तनों का स्टैंड, देखिए कितने अच्छे से हमारे बर्तन भी चमक रहे हैं वॉश होने के बाद, और इसके अंदर इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारी जो बड़ी स्लैब्स हैं उनके अंदर। हर एक चीज़ ना बिल्कुल अलग दिख रही है अब किचन में, अपनी एक वैल्यू जो है ना उसने बना ली है। बहुत ही अच्छा मुझे लगा इस बार का अरेंजमेंट। उसके नीचे मैंने छोटा सा स्नैक्स कॉर्नर बनाया है, फ्रेम लगाया है, अपने सारे वुडन स्पैचुला रखे हैं, छोटा सा मनी प्लांट भी लगाया है। माइक्रोवेव इस बार बिल्कुल फिट आ चुका है, पुराना जो राइस कुकर था वो सबसे नीचे है, कुछ खाने पीने की चीज़ें इस बास्केट में रखी हैं। ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो हमारा वुडन ऑर्गेनाइज़र है इसके ऊपर हमारी ब्लैक ब्यूटी आ गई है आज की। उसके साथ ही मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा है, सारे नाइफ्स रखे हैं ऑर्गेनाइज़र में। मोनोटनी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांटर भी ऐड करा है। अंदर सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई हैं।
ये वाला सेक्शन भी मुझे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीट है, सारी चीज़ें सामने हैं, कलरफुल हैं, तो देखने में और अच्छी लग रही हैं। इस बार मैंने और विक्रम ने कोशिश करी थी कि ये जो नीचे वाला सेक्शन है उसे कवर करते हैं, पर क्योंकि ये जो हमारा गैस का पाइप है ना वो बीच में आ रहा था, ट्राई करा कि मैं उसे अच्छे से कवर करूँ ना, तो वो प्रॉपर फिनिश नहीं आ रही थी। और किचन काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, तो उसको लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हवा ही कहीं से पास नहीं हो पाएगी, तो फिर हम लोगों ने ये आइडिया ड्रॉप कर लिया। पर उसके बाद भी ना चीज़ों को ओपनली रखा हुआ है, पर देखने में अच्छी लग रही है क्योंकि उसे एक सलीके से रखा है। तो ये था मेरे किचन का कंप्लीट मेकओवर। तो यहाँ पे आज मैंने आप लोगों के साथ किस तरीके से मैंने बर्तनों को ऑर्गेनाइज करा, जो भी हमारे पास शेल्फ यहाँ पे मिली हुई हैं उसके अंदर भी हम लोग कितने ब्यूटीफुली सारे सामान को रख सकते हैं, देखने में अट्रैक्टिव लगे, किचन के अंदर जाते ही आप लोगों को खुशी मिले, किचन के काउंटर टॉप को कितनी आसानी से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, खाली रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकाल सकते हैं काम करने के लिए। जब किचन के काउंटर टॉप को साफ करना होगा तो सारी चीजें खिसका के ना आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. जो भी अगली वायर्स थी आप लोग यहाँ पे क्रीपर्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाई थी, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि। बाय। Even if the sky is falling.